अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ओर से 6 मार्च 2024 को गोंदिया जिला व सत्र न्यायालय बार एसोसिएशन के हॉल में गोंदिया जिला के मंच के पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य राज्य के सह प्रभारी नागपुर जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता छत्रपति शर्मा के हाथों की गई। गोंदिया जिले के अध्यक्ष के रूप में अनंत सिंह दीक्षित और महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता सुनीता उके और जिला कोषाध्यक्ष के रूप में अधिवक्ता सुशील यादव इनकी नियुक्ति मंच द्वारा की गई और एडवोकेट शर्मा ने इनके हस्ते सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडवोकेट छत्रपति शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच यह एक गैर राजनीतिक मंच है और समाज के निर्माण में अधिवक्ताओं की हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज महाराष्ट्र सहित पूरे देश में अधिवक्ताओं के संरक्षण की उनके प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और ये मंच इसी दिशा में कार्य कर रहा है। आज हमारे बीच अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत इसे एक राष्ट्रीय अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले मंच के कोर कमेटी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट सी एस शर्मा साहब नागपुर से पधारे हैं। एडवोकेट एम जी उपासे राज्य कार्यकारी सदस्य वो हमारे यहाँ पधारे हैं। एडवोकेट पद्माकर केम्बोनीकर जिलाध्यक्ष है नागपुर भंडारा डिस्ट्रिक्ट और एडवोकेट ए पी सिंह साहब वाइस प्रेसिडेंट है नागपुर बार के। हमारे बार के भूतपूर्व प्रेसिडेंट और सीनियर मेंबर कटवे साहब उनके अध्यक्षता में आज हम कार्यक्रम ले रहे हैं और मैं चाहूँगा कि सी एस शर्मा साहब जो नागपुर से आए हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोर कमेटी के मेंबर है ये एक प्रास्ताविक भाषण अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के उद्देश्यों को लेकर और उसकी व्याप्ति को लेकर हमारे समूह वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कटरे साहब और समस्त हमारे मंच के पदाधिकारी एवं हमारे गोंदिया बार के सभी साथियों आप सबको मेरा नमस्कार मेरा प्रणाम। हमारा जो मंच है यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक मंच है और यह मंच पूरे देश में अधिवक्ताओं के हित कल्याण और सुरक्षा के लिए कार्य करता है। समाज में हर व्यक्ति अधिवक्ताओं की तरफ इस उम्मीद से देखता है कि उसे समाज के आखिरी हिस्से तक न्याय व्यक्ति को मिले, आखिरी व्यक्ति तक न्याय व्यक्ति को मिले और इस न्यायदान की प्रक्रिया में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा भूमिका है। देश की आज़ादी से लेकर तो अब तक अधिवक्ताओं का रोल क्या होता है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु देश में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो चुकी है कि सभी के लिए सुरक्षा कानून है, परंतु आज भी अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए अधिवक्ता वर्ग यह लड़ रहा है। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।